बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में चल रही चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। कुलदीप बिश्नोई, अनिल विज, कृष्णपाल गुर्जर मीटिंग से निकले। और अब चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ अहम निकलकर सामने आएगा, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा की सियासत में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, किसका टिकट कटेगा, किसका पक्का होगा, किस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व भरोसा जताएगा, ये तमाम सवाल है। तो गुरुग्राम में चल रही चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, कुलदीप बिश्नोई, अनिल विज, कृष्णपाल गुर्जर मीटिंग से निकले हैं। तो बड़ा सियासी कदम पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा देखने को मिलेगा और तमाम तौर पर कितना अहम फैसले, कितने अहम मुद्दों पर इस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई, पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी के सामने इस वक्त हरियाणा में खड़ा है, किस तरह से उसे कम किया जाए। और अंदर खाने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको भी संतुष्ट किया जा सके, तमाम चुनौतियां पार्टी के सामने खड़ी हैं। उधर कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद न सिर्फ उत्साह से लबरेज है बल्कि जीत का दावा भी कर रही है। तो ऐसे में सियासी रण हरियाणा विधानसभा का बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है, विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर जो चर्चा हुई है उसमें क्या कुछ खास है और क्या पार्टी की रणनीति कहती है, तमाम सवाल है। तो चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद अब आगे की रणनीति किस तरीके की पार्टी ने बनाई है, क्या फोकस रहा है, किन मुद्दों को लेकर और उम्मीदवारों को चयन को लेकर किस तरीके से पार्टी ग्रिल कर रही है, ये तमाम सवाल है। देखिए, दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे उनके ऊपर भी, अभी तो प्राथमिक तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे।